समाज, किसान हो, सबके सब डर से खामोश थे। दलितों ने मोर्चा खोल दिया और एक बार देश में अंबेडकरवादियों ने ऐसा सैलाब लाया, पूरा देश बंद कर दिया। साथियों में कहना चाहते हैं और इस मन से हम कहना चाहते हैं, हम तीन बातें सरकार को कहना चाहते हैं। पहली बात हम ये कहना चाहते हैं, 13 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय लाखों आदिवासियों को बेघर करने का निर्णय देता है और दलितों एससी एसटी एक्ट पर उन्होंने भारत बंद देखा था और 14 फरवरी को पुलवामा हो जाता है। साथियों, अरे भाई, दलित आदिवासी इतने भी मूर्ख नहीं है कि जितना आप समझते हो। हम ये बताना चाहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के स्टे के आगे दलित आदिवासी झुकने वाले नहीं है। हमारा मानना है, हर आदिवासी को जहां वो जंगलों में रहता है, वो जहां भी रहता है, उसको उसकी जमीन का मालिकाना हक मिलना चाहिए। हम किसी कोर्ट को नहीं जानते, हम किसी कचहरी को नहीं जानते, हम जानते हैं उस संसद को जानते हैं जहां 47 MP आदिवासी समाज से आते हैं, 87 MP शेड्यूल कास्ट से आते हैं, 300 MP ओबीसी जातियों से आते हैं। या तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला बदलने के लिए अध्यादेश लाओ, नहीं तो 2019 में हम सरकार वैसे भी पलटने वाले। हम ये कहना चाहते हैं साथियों। और साथियों, अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, अब हमें कॉलिजियम पर और इस देश की समण न्यायपालिका के न्याय पर कतई यकीन नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं जब देश का संविधान बना था, संविधान में आर्टिकल 312 है, वो ये कहता है सरकार को ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनानी पड़ेगी। मैं कहता हूं, आपने ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्या इसलिए नहीं बनाई कि दादा के बाद बाप, बाप के बाद पोता, पोता नहीं तो भतीजा मुख्यमंत्री, भतीजा न्यायाधीश बने सर्वोच्च न्यायालय में? एक परिवार के ऐसी कौन सी मेरिट है, एक परिवार के, एक खानदान के 10-10 जज बनते हैं? ये न्याय हमको समझ में नहीं आता। हम ये कहना चाहते हैं, आर्टिकल 312 के तहत जुडिशियल सर्विस बनाइए और ये जो सवर्णों का न्यायपालिका पर कब्जा है, ये दलित आदिवासी और पिछड़ी जातियां अब स्वीकार करने वाले नहीं है। साथियों, अंत में साथियों मैं कहना चाहता हूं, ये भारत बंद, आज का भारत बंद जो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, ये केवल एक झांकी है। अगर सरकार ने 3 अध्यादेश नहीं लाए तो लड़ाई बाकी है। 2 अप्रैल के बाद 9 अगस्त हुआ था, सरकार याद रखे हम अंबेडकरवादी है, संघर्षों के आदि है। जरा नारा लगाना है, जय 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 जय।